हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई एक महंगा कैमरा लेते हैं जस्ट लाइक सोनी A7C। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है जो कि 170,000 के आसपास आता है। प्राइस वेरी करती है अलग अलग कंडीशन के ऊपर, और अगर हम कंपेयर करें इसको एक सस्ते कैमरे से जो कि मेरे पास है कैनन का 200D। हालांकि अभी मेरे पास कैनन का R भी पड़ा है, पर वो अभी एक काम पर जा रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से कंपैरिजन किया जाए। हालांकि R तो इससे भी महंगा है। तो ये एक 40,000 का कैमरा है, ये एक 170,000 का कैमरा है। इसके साथ में 28-60 लेंस आता है, और इसके साथ में जो है 18-55 लेंस आता है। अभी हम लोग जो है इन दोनों का एक फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है आगे चलते हैं वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे इमेज क्वालिटी की, हम लोग बात करेंगे डायनेमिक रेंज की और वीडियो क्वालिटी की, और क्या क्या फ़र्क इनमें जो है वीडियो क्वालिटी में, और लाइक ये प्रो है तो क्यों प्रो है, और ये क्या आपके लिए काम चला देगा, तो इस वाले वीडियो में जानेंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम जय किशन है और आप देख रहे हो रॉयल टेक्निकल बाबा। तो चलिए इस वाले वीडियो को आगे देखते हैं। हाँ, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं इन दोनों कैमरों में जो कि प्राइस का डिफरेंस होते हुए भी दोनों में हमको मिलती है, पर हम किसका अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो देखो यार, दोनों में जो है वेरी एंगल डिस्प्ले मिलती है जो कि 180 रोटेट भी हो जाती है, और आप लोग देख सकते हो दोनों की डिस्प्ले जो है काफ़ी बढ़िया सी दिख रही है। पर यार मेरे को काफ़ी बुरा लगता है कि सोनी का जो कैमरा है ना, यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलते हैं इससे सिर्फ हम टच जो है फोकस ही कर सकते हैं टच करके, और कोई भी मेन्यू जो है हम इसमें छेड़ नहीं पाते हैं। जस्ट लाइक हम कैनन में सारी चीज़ें जो है टच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी ईजी हो जाता है नए लोगों के लिए, जो लोग सीख रहे हैं अभी फोटोग्राफी, उन लोगों के लिए ये जो है कैनन की टच या फिर डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है। ये वाली जो बैटरी है ये कैनन के 200D में आती है, और ये जो है सोनी के A7C में आती है। ये FZ100 बैटरी करके इसका नेम है, और इसका जो है LP17 है, ये 200D में लगती है। ये 1200 mAh की है, और ये ना जाने कितने mAh की है, पर ये जो है काफ़ी लंबी चलती है। ये जो है वीडियो को लगभग 2.5 से 3 घंटे तक खींच सकती है, और ये जो है वीडियो को लगभग 1-1.5 घंटे तक खींच सकती है। हालांकि मैंने इन दोनों में एक चीज़ नोटिस की है कि जो सोनी का कैमरा है ये मिररलेस कैमरा है, तो ये फ़ोटो जो है 400-450 के आसपास खींच सकता है, और ये जो है 600 फोटोज़ के आसपास खींच सकता है इस छोटी सी बैटरी के ऊपर। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि फिजिकल में, तो ये जो सोनी का कैमरा है इसके हमको जो है ना यहाँ पर कार्ड लगाने के लिए मिल जाता है। तो अगर हम ट्राईपोर्ट वगैरह पर इस कैमरे को यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली हम जो है यहाँ से कार्ड बाहर निकाल पाएंगे। इसके अलावा इसमें जो माइक भी मिल जाता है, और हेडफोन जैक भी देखने के लिए हमको मिल जाता है, और USB-C से ये जो है चार्ज भी हो जाता है चलते हुए। अगर हम फोटोज़ खींच रहे हैं या वीडियोज़ खींच रहे हैं तो कंटिन्यूसली इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको जो है कैनन के 200D में देखने के लिए नहीं मिलती है, सिर्फ हम इसमें जो है माइक लगा सकते हैं। ये ठीक बात है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि जो सोनी का 7C है उसमें फ्लैश नहीं आती है, इसके अंदर फ्लैश आती है। और हाँ, इसके अंदर फिजिकली हम जो है स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ये रहा बटन दे रखा है, उसमें नहीं दे रखा है लेंस के ऊपर कोई भी बटन। इसके अंदर AF एंड मैनुअल फोकस का जो है बटन दे रखा है, हालांकि इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दे रखा है, हमको अंदर जा कर के वो चीज़ें अनेबल करनी पड़ती है। और इसका जो लेंस है ना, ये ऐसे बाहर हमको पहले करना पड़ता है इसका लॉक मैकेनिज्म, उसके बाद जो है ये 28 से शुरू होता है और 60 पर ख़त्म हो जाता है। और ये जो है 18 से शुरू होता है, आप लोग देख सकते हो 18 से शुरू होता है और 55 पर जाता है। तो इसके अंदर हमको जूम ज़्यादा देखने के लिए मिलती है क्योंकि एक क्रॉप सेंसर है, और क्रॉप सेंसर में 1.5x का जो है क्रॉप होता है, तो इसकी जो 55mm की जूम है उससे ज़्यादा होती है अगर हम फिजिकली कंपेयर करें तो। और हाँ गाइज, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जो ये 200D है इसकी ग्रिप काफ़ी बढ़िया लगती है मेरे को। हालाँकि इसके अंदर यहाँ पर व्हील नहीं दे रखा है जिससे हम शटर या फिर सेटिंग में जाकर के शटर या फिर दोनों ही चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, एपरेचर या शटर, ये चीज़ इसमें नहीं है। ये चीज़ इसमें डाल रखी है जो कि A7C है। इसके अंदर आप देख सकते हो
कंट्रोल के अंदर हमको दो व्हील देखने के लिए मिलते हैं, एक तो इससे हम शटर कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हम जो है एपरेचर कंट्रोल कर सकते हैं। बटन की पोजिशनिंग की बात करें तो ये रिकॉर्डिंग बटन यहाँ पर दे रखा है, ये कुछ लोगों के लिए बढ़िया हो सकता है, हालांकि मेरी आदत है शुरुआत से ही मैं वेडिंग्स को शूट करता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर बटन होना ज़रूरी है। और हाँ भाई एक चीज़, ये जो बटन है ये सिर्फ वीडियो को ऑन ही कर सकता है वीडियो मोड में, ये जो है वीडियो को फोकस में लेने के लिए हमको ये बटन काम में लेना पड़ता है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ख़राब लगती है सोनी के कैमरों में। हालांकि इसमें हम एक ही बटन से जो फोकस भी कर सकते हैं और इसी बटन से जो है वीडियो को ऑन भी कर सकते हैं शटर बटन से ही, तो ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। वीडियो मोड में लेने के लिए इस वाले बटन को ऐसे पहले ये चालू होगा, उसके बाद डायरेक्टली जो है वीडियो मोड पर चला जाएगा, और इसको अगर हमको वीडियो मोड पर करना हो तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये जो सोनी का कैमरा है इसमें हम जो है डायरेक्टली फ़ोटो मोड में ही इस बटन को दबा करके वीडियो ऑन कर सकते हैं उसी सेटिंग के ऊपर। अगर हमको स्पेसिफिकली वीडियो में जाना होता है तो हम वीडियो मोड में जा सकते हैं, अगर हमको डायरेक्टली उसी से स्लो मोशन में जाना होता है तो हम जो है SNQ मोड में भी जा सकते हैं। ये मेरे को काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी इस कैमरे की। और यहाँ पर जो है एक्सपोजर कंपनसेशन का जो है बटन देखने के लिए मिलता है, और जो है इसमें EVF आता है और उसमें जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर आता है, कुछ ये जो है इनके फिजिकल डिफरेंस है। इसके अलावा अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। हाँ तो गाइस अभी जो है दोनों ही कैमरे ऑटो पर चल रहे हैं, स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल है, ऑटो कलर प्रोफाइल डाल रखी है मैंने, और दोनों कैमरों में से कौन सा कैमरा जो है बढ़िया एक्सपोज कर पा रहा है, दोनों का जो एक्सपोजर मीटर है वो 0 पर कर रखा है मैंने, और आप लोग देख सकते हो अगर हम सन के जस्ट ऐसे सामने आ जाएं तो दोनों में से कौन सा कैमरा बढ़िया एक्सपोज कर पाता है हम लोगों को, और अगर हम सन के जस्ट लाइक सामने आ जाएं तो दोनों के कलर कौन से बढ़िया दे रहा है कैमरा इंटरनली, तो ये भी चेक हो रहा है हमारे। और भाई हम लोग जो है चल रहे हैं, धूप है कड़ी और 50 या फिर 45 डिग्री के आसपास जो है यहाँ का टेम्परेचर है, और कैनन का 200D अभी आपको बता रहा है कि धूप में हो आप, काफ़ी ज़्यादा धूप में हो, और अभी ये जो है बता रहा है कि भाई आप छाया में आ चुके हो। इसमें जो आई ट्रैकिंग हो रही है सोनी A7C में, और इसमें फेस ट्रैकिंग हो रही है, दोनों का रिजल्ट ऑटो पर कैसा आ रहा है अभी हम लोग स्विच करते हैं। थोड़ा बहुत मैन्यूअल ऑटो ही रहेगा पर उसमें हम जो थोड़ी बहुत छेड़खानी कर देते हैं, लाइक पिक्चर प्रोफाइल वगैरह चेंज करके उसके बाद में देखते हैं कौन से में कैसा रिजल्ट आता है। हाँ तो गाइस दोनों ही कैमरों पर सिमिलर सेटिंग कर रखी है मैंने, और ऑटो ISO डाल रखा है, और F4 पर मैं जो है कैमरे को चला रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हो कि भाई दोनों में जो है बैकग्राउंड ब्लर कौन से में ज़्यादा आ रहा है। अभी मैंने जो है दोनों को ही मैनुअल मोड पर डाल रखा है और अपने हिसाब से सेटिंग्स कर रखी है, सिमिलर सेटिंग पर मैं चला रहा हूँ। यहाँ पर ऑटो ISO है और कैनन 200D के अंदर कुछ ऐसी फुटेज आ रही है, और A7C के अंदर 250 ISO है, 500 की शटर स्पीड है, और 500 की शटर स्पीड ही इसमें है कैनन के 200D में। अभी हम लोग जो है धूप में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं दोनों में कौन सा कैसा रिजल्ट देता है। हाँ तो गाइस अभी दोनों के अंदर जो है 1000 की शटर स्पीड मैंने जो है कर दी है, और अभी मैं जो है धूप में हूँ, और कौन सा कैमरा ज़्यादा बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर कर रहा है, कौन सा कैमरा बढ़िया एक्सपोज कर रहा है, ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। अगर हम लोग जो सन के अपोजिट हो जाएं तो आप देख सकते हो कौन सा कैमरा बढ़िया से मेरे को एक्सपोज कर पा रहा है, और अगर हम लोग वॉक अराउंड करें तो किसका जो स्टेबलाइजेशन बढ़िया है आप लोग देख करके मेरे को बता सकते हो। ये देखो भाई कुछ ऐसा जो है मैं चल रहा हूँ, तो आप लोग बता सकते हो मेरे को कौन सा कैमरा जो है ज़्यादा बढ़िया से वर्क कर रहा है। हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हो लो लाइट कंडीशन में कौन से कैमरे कैसे वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है घर के अंदर ऐसे व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनियां बोलती है कि ये जो है दोनों ही व्लॉगिंग कैमरे हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि व्लॉग्स में कौन सा कैमरा कैसे वर्क कर रहा है और कलर किसके बढ़िया आ रहे हैं। और हाँ लाइक अगर हम लोग बात करें कि भाई इन दोनों को मैं बढ़िया सेटिंग के ऊपर चला रहा हूँ, और लाइक अगर घर में हम लोग ऐसे व्लॉगिंग करते हैं तो ISO देखें तो देखो सोनी जो है 1000 ISO के ऊपर चल रहा है अभी, और कैनन जो है 1600 ISO के ऊपर चल रहा है। ये एक क्रॉप सेंसर है, ये एक फुल फ्रेम है, बार बार मैं बता रहा हूँ, और दोनों के जो कलर कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट कैसा आ रहा है, अगर आप छोटी सी डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो लाइक स्मार्टफोन तो उसके ऊपर कैसे रिजल्ट आ रहे हैं आप लोग देख करके मेरे को बता दो। और अभी मैं जो है कुछ इस टाइप से
फिर रहा हूँ घर के अंदर, और अभी जो है मैं मेरे रूम के अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पर जो है ऊपर की साइड में दो ट्यूबलाइट लगा रखी है मैंने, और इसके अलावा जो है रोशनी का मेरे पास कोई भी स्रोत नहीं है, और कुछ इस टाइप का जो है हमारे यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है। वीडियो किसके कलर बढ़े हैं आप मेरे को जरूर बता दें नीचे कमेंट में। हाँ तो गाइज, मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज़ ले रखी है जिनमें आप लोग देख सकते हो। ये जो है पहली फ़ोटो मैंने कैनन के 200D से ली है, जिसमें कुछ ऐसा रिजल्ट आया है आप लोग देख सकते हो। और जो सेकंड मैंने A7C से फ़ोटो ली है वो ये है, तो आप लोग देख सकते हो दोनों में क्या रिजल्ट में फ़र्क है। ये कैनन से खींची गई है जो कि एक 50,000 का कैमरा है, ये जो है एक 2 लाख का कैमरा है। एक 50,000 का कैमरा, ये 2 लाख का कैमरा, दोनों में क्या फ़र्क है। इसका जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हो किस टाइप से जो है 200D ने बैकग्राउंड ब्लर किया है, ऐसा जो है बिजी सा बैकग्राउंड 200D ने कैप्चर किया है। और जो A7C है फुल फ्रेम कैमरा, तो इसने जो है बैकग्राउंड को एकदम क्लियर ब्लर किया है, इसने जो है बैकग्राउंड को कंप्रेस किया है लेंस के जरिए और इसने जो है ब्लर किया है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, आपको देखने में क्या लगता है वो आप मेरे को ज़रूर बता देना। ये एक फ्लैट फ़ोटो लग रही है, ये एक डेप्थ फ़ोटो लग रही है, ये थोड़ा सा मेरे को फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। क्लियरिटी की अगर हम बात करें तो फुल्ली जूम कर दें फोटो को तो आप लोग देख सकते हो, ऐसा जो है 200D ने रिजल्ट यहाँ पर लेकर आया 200D, और सोनी A7C जो है कुछ इस टाइप का जो है यहाँ पर रिजल्ट लेकर आया है। सोनी में जो है आई ऑटो फोकस है, तो इसकी जो है आइज़ आप देख सकते हो फोटो में जो है आइज़ ज़्यादा क्लियर है, और आगे हम कंपेयर करेंगे। और हाँ भाई, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सोनी है इसमें शेडोज़, ये आप लोग देख सकते हो गले के नीचे जो है शेडोज़ है, और वहीं पर कैनन में शेडोज़ नहीं है। और आगे के हम थोड़े से रिजल्ट देखते हैं, तो ये जो है कैनन से खींची गई फ़ोटो है और ये जो है सोनी से खींची गई फ़ोटो है, दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो। ये जो जूम हो रही है फ़ोटो वो इसलिए हो रही है क्योंकि 1.5x का क्रॉप लगता है, क्रॉप सेंसर है यानी 200D, तो क्रॉप का यहाँ पर इफेक्ट आता है। वो आप लोग नहीं जानते हो, तो वो आप लोग धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में रहोगे तो सीख जाओगे क्या होता है 1.5x क्रॉप। तो दोनों में जो है ये फ़र्क है। और आगे की फ़ोटो देखें तो ये जो है 200D से खींची गई फ़ोटो है और ये जो है सोनी से खींची गई फ़ोटो है। एक साथ में अगर इन दोनों फ़ोटो को जूम करें तो आप लोग देख सकते हो सोनी का आइज़ के ऊपर काफ़ी बढ़िया फोकस है और डिटेल ज़्यादा है क्योंकि ये एक फुल फ्रेम कैमरा है। वहीं पर हम कैनन की बात करें तो यहाँ पर हमको नोटिसेबल जो है हो रहा है ये है कि भाई लिप्स के ऊपर जो है कैनन ने फोकस रखा है और सोनी ने जो है आइज़ के ऊपर फोकस रखा है। और हाँ, यहाँ पर जो है डिटेल का थोड़ा बहुत फ़र्क है, वाकई में सोनी में जो है थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा हमको देखने के लिए मिल रही है, पर ये एक महंगा कैमरा भी है। अगर हम दूसरी फ़ोटोज़ को कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पर हमको क्लियरिटी में ज़्यादा जो है सोनी ज़्यादा क्लियर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह के लिए ले रहे हो तो मैं आपको कैनन सजेस्ट करूँगा क्योंकि फ़ोटोज़ में इतना भी कुछ खास फ़र्क नहीं है जितना एक हम अमाउंट दे रहे हैं इस बॉडी के लिए। पर हाँ, अगर आपके पास खूब सारे पैसे हैं तो सोनी A7C ले लो, वरना जो है क्रॉप सेंसर से भी आपका जो है काम चल जाना है। अगर हम दूसरी फ़ोटोज़ को कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये देखो, ये जो है सोनी की फ़ोटो है मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ में। अब आपका कौन सा हैंड है वो मेरे को पता नहीं है। लेफ़्ट हैंड में मेरे जो ये जो वार्मेस्ट फ़ोटो है ये जो है सोनी की है, और ये जो है आप लोग देख सकते हो कैनन में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर कम कैप्चर हुई है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना भी तो हो गया यार, क्योंकि मैं इस कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ 2-2.5 साल से, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो भाई थोड़ा बहुत जो है लेंस भी अब घिस चुका है और सेंसर भी पुराना हो चुका है और ये क्रॉप सेंसर भी है। तो भाई डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो भाई मेरे को ऐसे कोई ख़ास फ़र्क लगता नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया पर अपलोड करें दोनों पिक्चर्स को तो भाई मेरे को जो है यहाँ पर कैनन की फ़ोटो ज़्यादा बढ़िया लग रही है। लाइक इसके जो शेडोज़ पूरे हट रखे हैं, स्किन टोन थोड़ी सी कूल है, हालांकि वार्मी दिन था जो है, दिन में ये एक सनी दिन था, तो भाई सोनी के जो कलर है वो नेचुरल है। पर हाँ भाई, नेचुरल कलर काम नहीं आते हैं। अब आप जब भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते हो तो आप यही चाहते हो कि हमको जो ज़्यादा बढ़िया कलर निकल कर आए। तो अगर हम एडिटिंग की बात करें तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो फ़ोटो है, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, इसके कलर ज़्यादा बढ़िया निकल कर आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो,
ऑटो पर मैं अगर इसको हम डाल दें, पर अगर हम ऑटो पर डाल दें तो आप लोग देख सकते हो इसके जो है कैनन के कलर कुछ ऐसे हुए हैं। वहीं पर अगर हम लोग जो है सोनी की सेम फ़ोटो को ऑटो पर डाल दें यानी ऑटो करेक्शन पर, तो कुछ ऐसे जो है रिजल्ट निकल कर आते हैं। यानी कि ये जो है ऑटो करेक्शन अडोब लाइट रूम का है, तो सोनी की पिक्चर ऐसी हो गई और कैनन की पिक्चर कुछ ऐसी हो गई। अगर हम दूसरी पिक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट डालें, यानी कि ये जो है सोनी की पिक्चर है, सोनी से क्लिक की गई, अगर हम इसको ऑटो पर डाल दें तो फ़ोटो कुछ ऐसी हो जाती है। इसी फ़ोटो को अगर हम कैनन वाले पर इफ़ेक्ट डाल दें, ये वाला लाइक ये लो ऑटो इफ़ेक्ट डाल देते हैं हम ये लो, तो ये फ़ोटो ऐसी हो गई। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। इफ़ेक्ट लगाने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ये जो फ़ोटो है ये कैनन से क्लिक की गई फ़ोटो है और इसकी क्लियरिटी वगैरह आप देख सकते हो, और इफ़ेक्ट लगाने के बाद ये जो है सोनी की फ़ोटो है आप लोग देख सकते हो। इतना कुछ खास मेरे को फ़र्क लग नहीं रहा है, पर हाँ भाई इसकी डिटेल थोड़ी सी अलग सी है और इसकी डिटेल कुछ अलग सी ही है। आप अपने हिसाब से बता दो यार कौन सी फ़ोटो बढ़िया लग रही है, ये सोनी की है और ये कैनन की है, ये सोनी की है, ये कैनन की फ़ोटो है, ये कैनन, ये सोनी, कैनन, ये सोनी। तो मेरे को तो भाई कैनन ही ठीक ही लग रहा है और सोनी भी ठीक ही लग रहा है। आप अपने आपको ओपिनियन से आप मेरे को बता देना कि कौन सा कैमरा ज़्यादा बढ़िया फ़ोटोज़ लेता है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि A7C एक जो है महंगा कैमरा है, पर इसका कैसा रिजल्ट है। तो देखो यार वेडिंग्स फोटोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसके कलर इतने बढ़िया नहीं होते हैं, इसका जो आउटपुट है वो एकदम कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, तो ये इनडोर फ्लैश फोटोग्राफी में मेरे को इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं लगा। कैनन के कैमरे मेरे को वहाँ पर ज़्यादा टिकाऊ लगते हैं। दूसरा इसके अंदर 4K 30 दे रखा है, तो वेडिंग्स में 4K 30 का कुछ ऐसा खास महत्व होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी 60p रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बाद में स्लो डाउन कर सकते हैं, लाइक 25p पर करके एक स्लो डाउन पिक्चर बना सकते हैं, जो कि 4K इसका ऐसा खास मेरे को लगा नहीं। आईबस है इसके अंदर जो कि इतना इफ़ेक्टिव है नहीं। अगर हाँ आप प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आईबस या जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो उनके अंदर थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा ये कैमरा। बड़ी बैटरी इसके अंदर दे रखी है, टच स्क्रीन इसके अंदर है नहीं, तो आप कैनन के कैमरों के साथ ज़्यादा उनको जो है ईजिली यूज़ कर पाओगे। इसका जो मेन्यू है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और चीज़ों को जो है अच्छे से जमा कर नहीं डाल रखा है, कोई चीज़ कहीं पर डाल रखी है, कोई कहीं पर डाल रखी है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना उनको हम बाहर से कम यूज़ कर पाते हैं। लाइक अगर मेरे को FPS करने हो वीडियो को चेंज, तो अंदर जाकर के जो है काफ़ी अंदर जाकर के उनको चेंज करना पड़ता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और तो ऐसा कुछ खास मेरे को अंतर इनमें लगा नहीं। 1080p की वीडियो क्वालिटी सिमिलर है, फ़ोटोज़ की क्वालिटी सिमिलर सी ही है, थोड़ा सा इसका जो है ISO परफॉर्मेंस बढ़िया है, और बस यार ये कुछ मेरे को खास डिफरेंस लगे इन दोनों में। इसमें USB चार्जिंग है, कुछ ऐसे जो है खास फ़र्क लगे। ये वेदर सील है, तो मेरे को तो जो है कभी बारिश में शूट करना नहीं है, तो मैं जो है इस वाले कैमरे को वापस बेचूंगा। और मैं सोच रहा हूँ मेरे को कोई परफेक्ट कैमरा चाहिए, R7 या R10 दोनों में से एक कैमरा में वापस जो है क्रॉप सेंसर है वो, फिर भी मैं जो है उनमें से एक खरीदूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें जो भी मैंने डिटेल दी है मेरे खुद के एक्सपीरियंस से दी है, और मैंने जो नोटिस किया वो मैंने आपको बता दिया और रिजल्ट आपके सामने मैंने पेश कर दिया। बस यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने पर इस वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे रॉयल टेक्निकल बाबा चैनल को। ओके बाय बाय।